नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। आज के दिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में एक बहुत ही रोचक बयान दिया है। आज यानी कि 20 दिसंबर को जब उन्होंने संसद में बयान दिया तो वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनका कितना ज़्यादा अपमान हुआ है 19 दिसंबर के दिन। 19 दिसंबर के दिन क्या हुआ? आप सबको ये जानकारी होगी कि संसद के इस शीतकालीन अधिवेशन में बहुत सारे सांसदों को निलंबित किया गया है। 19 दिसंबर के दिन भी कई सांसदों को निलंबित किया गया। वे संसद के बाहर बैठकर धरना दे रहे थे। वहां पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा की उपसभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उस मिमिक्री में वो राज्यसभा की उपसभापति की कई बातों को उन्हीं की शैली में बोलकर सुनाते हैं, जैसा कि मिमिक्री में होता है। बड़ी बात यह हो गई कि वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने उसका वीडियो बनाया। अब इस बात को लेकर राष्ट्रपति तक भी आहत हुई हैं और उन्होंने भी इस पर निराशा जताई है। आज प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बात की और उसके बाद वो सारी खबरें मीडिया में चली कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ये लोग 20 साल से मेरा भी अपमान कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। संसद में आज के दिन जो एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो खड़े हुए अपनी जगहों पर और 1 घंटे तक खड़े होकर उन्होंने उपराष्ट्रपति का समर्थन किया कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज उपराष्ट्रपति ने जो राज्यसभा में कहा उसकी कुछ बातों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया और मुझे यह लगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वह बयान सुनवाता हूं और उसके बाद यह जो पूरा घटनाक्रम है उसकी राजनीति के बारे में मैं कुछ प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूंगा। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? क्या हुआ है आपको? सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। कल्याण बनर्जी ने जब मिमिक्री की थी तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले कुछ हाव भाव को दर्शाया था, जिसमें वो एक कदम आगे भी बढ़े जहां पर उन्होंने यह कहा, जैसा कि उनकी आवाज से पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हितों की सुरक्षा करने के लिए राज्यसभा में है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे किसानों का अपमान होता हो। कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे जाट जाति का अपमान होता हो। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर बैठे जगदीप धनखड़ साहब संसद में खुलकर यह बात कह रहे हैं कि आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, आप जाटों का अपमान कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि यह अपने आप में बड़ा ही दुखद है कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी जाति से खुद को जोड़ता है। आप पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप किसी जाति से जुड़े हुए उपराष्ट्रपति नहीं हैं। और यह भी बड़ा दुखद है कि वह अपनी कार्रवाई पर होने वाली आलोचनाओं और उन आलोचनाओं को सीमा पार करके की गई मिमिक्री को अपनी जाति के अपमान से जोड़ते हैं। यह बहुत ही दुखद है। और अगर हम जगदीप धनखड़ जी के व्यवहार को देखें तो हम यह पाएंगे कि वह जरूरत से ज्यादा सत्ता पक्ष की ओर झुके रहते हैं। अगर आप उनके पुराने वीडियोस जो राज्यसभा की कार्रवाई है उसे निकाल कर देखें तो आप यह पाएंगे कि कितना भी गंभीर विषय विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा हो उसमें राज्यसभा के सभापति टोका टोकटाकी करते हैं, हास परिहास लाने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि अगर आप वीडियोस उठाकर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जगदीप धनखड़ जब मणिपुर का मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और जो कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा,
तब वहां भी वो हास परिहास कर रहे थे, जबकि वो मुद्दा लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, जबकि वो मुद्दा लगातार हो रही हिंसा, महिलाओं के अपमान से जुड़ा हुआ था, तब भी जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनको रोक कर कुछ चुटकियां ले रहे थे, कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। हमेशा इनकी यह कोशिश रहती है कि वह एक अपने आप को ऐसे बड़े शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करें जो सबको उपदेश दे सकता है, लेकिन वह शिक्षक की भूमिका आप तभी ग्रहण कर सकते हैं जबकि आपका अपना व्यवहार एक उच्चतर स्तर का हो। निश्चित रूप से जो बयान राज्यसभा में आज जगदीप धनखड़ दे रहे थे, वह एक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेरे किसी आचरण की आलोचना होती है या मेरा एक तरीके से मेरी मिमिक्री की जाती है तो वह किसानों का अपमान है, वह जाटों का अपमान है। वह यह इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि जो विपक्ष है वह मेरी आलोचना करके असल में किसानों और जाटों का अपमान कर रहा है। वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं या यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों और जाटों को कि देखो तुम्हारे एक प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए इन लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीधे तौर पर राजनीति के खेल में जुड़ जाते हैं। अगर वो यह कहते हैं कि आप मेरा अपमान करते हैं, यह गलत है, लेकिन मैं सह लूंगा, आप उपराष्ट्रपति पद का अपमान नहीं कर सकते हैं, तो चलता। लेकिन यहां पर किसानों और जाटों की बात लाने की जरूरत आखिर क्या थी? आखिर उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके भीतर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है शायद वह उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। आज के दिन सुबह प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से बातचीत की और उसमें यह सूत्रों ने बताया कि असल में उन्होंने उपराष्ट्रपति से यह कहा कि मेरा तो 20 साल से अपमान हो रहा है तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो मुझे यह समझ में नहीं आती है कि जब एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से बात करते हैं तो यह बात क्या वो फिर बाद में आकर मीडिया में बता देते हैं कि मैंने उपराष्ट्रपति से यह कहा। सूत्रों के हिसाब से जो खबरें चलाई जाती हैं उसकी तो एक अलग ही दुनिया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री को के द्वारा उपराष्ट्रपति को फोन करना और उन्हें ढांढस बंधाना सही है, लेकिन क्या सच में यह इतनी बड़ी घटना थी जिसको लेकर उपराष्ट्रपति इतने ज्यादा आहत हो जाएं कि पूरी की पूरी गोदी मीडिया उसी आहत भावना को संजोने में, उसी आहत भावना को सहलाने में लग जाए। बड़ा मुद्दा आज के दिन में यह है कि हमारे देश में 140 से ज्यादा जो सांसद हैं संसद के, उनको संसद से ही निलंबित कर दिया गया है। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। यह प्रवृत्ति यह है कि अगर सांसद, विपक्षी सांसद कोई मांग रखते हैं, वह मांग चाहे कितनी भी जायज हो, अगर सरकार उसे नहीं मानना चाहती है तो उसके पास एक सीधा सा रास्ता है और वह रास्ता यह है कि वह विपक्षी सांसदों को निलंबित कर सकती है। अगर इसी तरीके से निलंबन करना या निलंबित करना, जो एक बहुत ही असाधारण स्थिति की एक का एक प्रावधान हो सकता है, अगर उसका लगातार उपयोग किया जाएगा तो फिर संसदीय राजनीति का क्या महत्व रह जाएगा? हमारे देश की संसदीय राजनीति किस दिशा में आगे जाएगी? यह बड़ा सवाल है जिस पर आज के दिन में विचार करने की जरूरत है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने ऐसा खेल रचा, ऐसी आहत भावनाओं का प्रदर्शन किया कि उससे पूरा का पूरा जो एक सरकारी तंत्र है उसको यह मौका मिल गया यह दिखाने का कि बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है, बड़ा मुद्दा यह है कि राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की गई, उनका अपमान किया गया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो देश में जो लोग हैं वो इस बात को समझें कि किस तरह से मुद्दों को भटकाकर जो असली मुद्दे हैं उन्हें छिपाने का खेल चल रहा है, और अलग अलग पदों पर बैठे लोग भी इस खेल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नई परह के इस अंक में मैं यहीं विराम लेता हूं। हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।